नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज वीके में। मैं हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता। इसी के साथ रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। एक तरफ जहां कोरोना महामारी की वजह से लोग अपने घरों से निकलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, वहीं झांसी में एक समाज सेवी ऐसी भी है जो किसी की भी मदद के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं समाज सेवी संदीप सरावगी की, जिनके पास आज एक क्षेत्रीय पत्रकार का फोन आया, जिसने उन्हें जानकारी दी कि एक पीड़ित परिवार आग से झुलस गया था, जिसमें परिवार का मुखिया घायल स्थिति में है। उसकी पत्नी की अधिक जल जाने की वजह से मृत्यु हो चुकी है। पीड़ित के बच्चे अपने पिता को इस हाल में देखकर विलग विलग कर रो रहे थे। पत्रकार की सूचना मिलते ही समाज सेवी संदीप सरावगी जिला अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने पीड़ित के बच्चे को ढांढस बंधाया और उन्हें हिम्मत देते हुए कुछ आर्थिक मदद भी की। उन्होंने पीड़ित परिवार से कहा कि वह उनकी हर तरफ से मदद करने को तैयार है, साथ ही अत्यधिक झुलस चुके मरीज को आत्मविश्वास रखने की सलाह दी। आपको बता दें कि आज संदीप सरावगी का जन्मदिन था। हमारी टीम ने जब उनसे बात की तो उन्होंने बताया कि आज के दिन उन्हें किसी की मदद करने का मौका मिला है, इसके लिए वह ईश्वर को शुक्रिया अदा करते हैं। ईश्वर ने उन्हें इस योग्य बनाया है कि वह लोगों की निस्वार्थ भावना से मदद कर सके। उन्होंने कहा कि वह एक पीड़ित परिवार की मदद करने के बाद काफी खुशी महसूस कर रहे हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि पीड़ित जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाए। क्या नाम है आपका? मैं अमित रावत हूँ और वैसे से पत्रकार भी हूँ। झांसी के एक सागर गेट मोहल्ले में आज से 4 दिन पूर्व एक दुखित घटना गरीब पीड़ित परिवार के साथ हुई थी, जिसकी पति पत्नी दोनों चाय बनाते समय जल गए थे, जिसको भर्ती कराने के लिए इन लोगों ने एक प्राइवेट हॉस्पिटल में भी अपना ट्रीटमेंट कराया। इनके पास आर्थिक स्थिति ना होने के कारण इनको झांसी के सांसद अनुराग शर्मा जी, विधायक निधि से, सब लोगों से मदद करके इनको जैसे तैसे यहाँ पर भर्ती कराया जिला अस्पताल में। तब जाके इनकी स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि इनकी माताजी एक्सपायर भी हो गई। तब जाके हमने झांसी के अपने समाज सेवी इस समय संदीप भाई जी इस समय बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो हमने जाके संदीप जी से संपर्क किया तो हमारी बात को उन्होंने गंभीरता से लेते हुए आज जिला अस्पताल में उन दोनों बच्चों को अपना आशीर्वाद देने आए, उनकी आर्थिक स्थिति के लिए आर्थिक मदद भी, और उन्होंने ये भी आश्वासन दिया कि कभी भी कोई ज़रूरत पड़े आप मेरे घर आ सकते हैं, हर चीज़ से हम आपकी तन मन धन से सहायता करें। लो आप टेंशन नहीं लो, लो बेटा जी रखो, ठीक है, और खुश रहो, स्वस्थ रहो, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे तो बच्चे जैसे हो सकते हो। अरे कोई दिक्कत नहीं, और जो भी होगा तो हम देख लेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। महाराज जी भैया हमारे वास्तविकता में बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं, जब बात को लेकर। ब्यूरो रिपोर्ट, झांसी।